आदाब। मैंने कुछ दिन पहले आपसे वादा किया था कि एक बड़े ही गंभीर विषय पे आप पे बात करेंगे, तो आइए आज उसी विषय को पकड़ा जाए। किस लिए? अब आप पूछेंगे साहब ये क्या पूछ रहे हैं, तो भैया मैं किसकी बात कर रहा हूं। किस मेरा मतलब चुंबन की। जी हाँ, इस चुंबन ने भी पूरे भारतवर्ष और एशिया प्राय महाद्वीप के अंदर एक अजीब सी लहर फैला रखी है। बड़ी अजीबो गरीब स्थिति में हम चुंबन को लेते हैं। चुंबन कैसे लिया जाए, चुंबन कैसे दिया जाए, चुंबन के क्या दोष हैं, चुंबन के क्या फायदे हैं। मीडिया को तो बस चुंबन कहीं नजर आ जाए सही, चाहे वो कहीं कैमरे के पीछे हो या कैमरे के आगे हो, हाहाकार मचा देते हैं, हाय चुंबन हो गया, हाय चुंबन ले लिया, हाय चुंबन दे दिया। अरे भैया, चुंबन, चुंबक और च्युइंगम, ये तीनों चीजें आपस में मेल खाती हैं। चुंबन में भी ओंठों का चिपकना होता है और चुंबक भी दो चीजों को चिपका लेती है, और च्युइंगम तो मुंह को ही चिपका देती है अंदर से। लेकिन इतनी खूबसूरत चीज भगवान ने हमें दी है चुंबन, क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हम लोग, क्यों नहीं मजा लेते चुंबन का। अगर किसी भी हॉलीवुड की फिल्म के अंदर कोई बहुत ही इंपैक्ट दिखाना होता है तो उस वक्त वो कैमरे को चुंबन के जरिए दिखाते हैं। काफी कुछ उसमें समझ में आ जाता है कि ये चुंबन क्यों लिया गया, किन हालात में लिया गया, किन हालात में दिया गया और इसका फिल्म में दिखाने का क्या तात्पर्य था। लेकिन इसके विपरीत जब इसी प्रकार का कोई चुंबन हम अपनी फिल्मों में लेते हैं या अपने किसी सीरियल में लेने की चेष्टा करते हैं तो बस पूछिए मत। हर आदमी चुंबन लेना चाहता है लेकिन इस चुंबन के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है कि ये क्यों ले लिया, क्यों दिखा दिया, कैसे हो गया। अरे चुंबन तो दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, भगवान की बड़ी खूबसूरत देन है हम लोगों को। इसके बगैर तो जिंदगी का कोई आनंद ही नहीं है भाई। चुंबन नाम ही कितना प्यारा है, कितना संगीत है इसमें, चुंबन, वाह कितना प्यारा नाम है। और हम इसको कह देते हैं किस 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 को दूं, किस किस की लूं, इसका मतलब ही दूसरा हो गया। जबकि भावार्थ वही है कि चुंबन किसकी लूं और चुंबन किसको दूं, तो क्या बुरा भाई इसमें। कितनी प्यारी चीज है, आप भी मजा ले रहे हैं इस वक्त, चाहे चुंबन मिले या ना मिले, लेकिन चुंबन की बात सुनकर तो मजा आ ही रहा है आपको, और आएगा भी क्यों नहीं, है ही शानदार चीज भाई। चुंबन के बगैर सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती। काम कला की शुरुआत हाथ पकड़ने के बाद, गले लगाने के बाद सीधी चुंबन पे आ जाती है, और उस सरोवर में जब आप खो जाते हैं क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है भैया। शब्दों में तो इसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्यों, जब आप शब्द बोलेंगे तो चुंबन छूट जाएगा, और जब चुंबन के बोलेंगे, चुंबन कर रहे होंगे तो शब्द नहीं निकलेंगे। तो दोनों में से एक चीज को चुनना है, या तो शब्दावली बोल लो या चुंबन का स्वाद ले लो। अब आपको देखना है कि चुंबन लेना है या बकबक करनी है, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं। बहुत सुंदर चीज और हम उसके पीछे इस कदम क्रिटिसिज्म करते हैं, न जाने कैसे कोई गलत चीज हो गई हो दुनिया में।
मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि काम कला की ये सुंदर सुंदर चीजों के बारे में हम भारतीय अनभिज्ञ क्यों हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसका इस्तेमाल करना क्यों नहीं चाहते। भाई क्या बुराई है, पति पत्नी चुंबन ले रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका चुंबन ले रहे हैं, या आप कोई इस तरह का चुंबन वाला दृश्य देख रहे हैं, कितनी आनंद की अनुभूति होती है। क्यों आया ना मजा? तो भैया चुंबन ही ऐसी चीज है जो दो व्यक्तियों को आपस में मिला देती है, एक दूसरे के दिल में मिठास घोल देती है मिश्री की तरह। और ये चुंबन के चक्कर में हम 24 घंटे ना चाहते हुए भी च्युइंगम खाते रहते हैं, माउथ फ्रेशनर, ताकि जब कभी चुंबन का मौका मिले तो कहीं मुंह धोखा ना दे जाए, कहीं बदबू ना आ जाए मुंह से, जो यकीनन हर भारतीय के मुख से आती जरूर है। कोई उसको पान चबाकर बदबू को दूर करता है, कोई इलायची खा के करता है, कोई माउथ फ्रेशनर रख के करता है, कोई च्युइंगम, कोई घर से चलने से पहले तीन तीन बार टूथपेस्ट करता है कि शायद रास्ते में कहीं चुंबन मिल जाए। यदि चुंबन ना हुआ, कोई चलती फिरती चीज़ होगी जो आपको मिल जाएगी। जा रहे हैं DTC की बस से और 3 बार टूथपेस्ट कर लेते हैं कि किसी की लड़की के पास मुंह चला गया तो कोई बेइज्जती ना हो जाए। और अगर उसने कहीं चुंबन ऑफर कर दिया, हाय अगर उस वक्त मुंह से बदबू आ रही होगी तो क्या हाल होगा। अरे मैं भी किस वाहियात चीज़ का नाम लेके बैठ गया हूँ, कहाँ चुंबन कहाँ ये मुंह की बदबू, दोनों अलग अलग विषय हैं, छोड़ के देखिए इनको। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, चुंबन लीजिए जब जब मौका मिले छोड़िए नहीं। ये चुंबन भी बड़े भाग्यशील लोगों को नसीब होता है भैया, चाहे वो प्रेमिका का चुंबन हो, चाहे वो प्रेमी का चुंबन हो, चाहे वो पत्नी का चुंबन हो या पत्नी की सौत का चुंबन हो, वो सबसे मजेदार होता है, बड़ा कटीला बड़ा विषैला। और जैसे ही जब पत्नी को पता चलता है कि आपने अपनी यानी कि उसकी सौत यानी कि आपने अपनी किसी प्रेमिका की पत्नी से छुप के चुंबन ले लिया, तो ये समझिए कि आपने शायद एटम बम फेंक दिया घर में, तो कहीं गलती से आपने आकर ये बात मूर्खतापूर्ण रूप से अपनी पत्नी को बता दी, या किसी ने आपको देख लिया और उसने आपकी पत्नी को बता दिया कि आप फला फला जगह पर फला फला लड़की की चुंबन ले रहे थे, तो बस समझ लीजिए कि आपका अंतिम दिवस आ गया, जीने नहीं देगी पत्नी आपको। और इसके विपरीत कहीं आपने अपनी पत्नी को किसी और के साथ चुंबन लेते देख लिया, हाय क्या हालत होगी आपकी, हृदय गति रुक जाएगी, एक ही क्षण में आपको पत्नी जो आपके प्रति इतनी समर्पित है आपको चरित्रहीन नजर आएगी। जैसे चुंबन पर तो सिर्फ आपका ही विशेषाधिकार है, अरे भाई वो सुंदर है तो किसी ने चुंबन ले लिया होगा, अब ले लिया तो क्या किया जाए, हाहाकार मचाया जाए, शोर मचाया जाए, अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया जाए, या गलती से विपरीत पत्नी ने अगर पति को चुंबन लेते दिख लिया तो क्या पति को प्रताड़ित किया जाए, अरे चुंबन था आया चला गया, ले लिया तो ले लिया, दे दिया तो दे दिया, चुंबन ही तो है, कोई जान थोड़ी दे दी आपने। तो मेरे दोस्तों जब कभी भी आपको चुंबन लेने का सौभाग्य प्राप्त हो या चुंबन देने का सौभाग्य प्राप्त हो तो कभी भी भूलिए मत, लेना हो तो ले लीजिए और देना हो तो दे दीजिए, चुंबन का काम यही है, या चुंबन दे दो या चुंबन ले लो। इसलिए जब जब आपको ऐसा सुनहरा मौका मिले चुंबन, तो छोड़िए मत, बड़ा मधुर बड़ा मीठा बड़ा प्यारा बड़ा नशीला बहुत ही शानदार होता है। हाय अभी मेरा दिल कर रहा है कोई मेरे पास हो तो मैं उसका तुरंत चुंबन ले लूं, हाय पर मैं क्या करूं, मेरे तो आसपास क्या 10 10 मील तक भी कोई नजर नहीं आ रहा है,